हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी फोर्टक्स बेल्ट ब्लाउज की सिलाई किस तरह से की जाती है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको इसकी कटिंग बताई है, तो इस वीडियो में मैं आपको सिलाई बताऊंगी किस तरह से सिला जाता है फोर्टक्स बेल्ट ब्लाउज। तो ये जो है ये कटिंग है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सिला जाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम जो फ्रंट साइड होता है, ये जो फोर टक्स है, इसकी हम सिलाई करेंगे इस तरह से। ये जो है टक्स, पहले हम इसको सिलेंगे एकदम। तो सबसे पहले हम जो फ्रंट साइड का है ऐसे इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ना है इस तरह से। और जो यहाँ से जो हमने निशान लगाया है वहाँ से एक ऐसी सीधी सिलाई लगा देंगे, यहाँ से जहाँ तक हमने निशान लगाया है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हम ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो निशान लगाया है हम इसको यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगा देंगे। एक बार और सिलाई लगा देंगे, डबल सिलाई लगा देंगे, डबल टिप। इस तरह से जो हमारे तीन टक्स है बाकी के, इसे इस तरह से हम इसको सिलाई लगा देंगे। यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ के ऐसे, और जहाँ तक हमारे निशान जा रहा है वहीं तक हम सिलाई लगा देंगे, सीधी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम दूसरा भी टक्स इसी तरह सिल लेंगे, एकदम सीधी सिलाई लगा देंगे। जहाँ तक हमारा निशान है वहाँ तक हम उसको सिलाई लगा देंगे। एक बार और सिलाई लगा देंगे। इस तरह से अब तीसरा भी टक्स की हम इसी तरह से सिलाई कर देंगे। इसको भी हम इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ से, और इस तरह से इसको यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगा देंगे। जहाँ तक हमारा निशान है बस वहीं तक हमको सिलाई लगानी होती है। डबल टिक लगा देंगे ताकि जो हमारी सिलाई है वो निकलेगी नहीं। इस तरह से अब जो चौथा टक्स है उसको भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह से पकड़ना है, बस सिलाई लगा देनी है जहाँ तक हमारा निशान है। तो इस तरह से हमने चारों टक्स की सिलाई कर दी है। तो अब हम दूसरे पार्ट की भी इसी तरह से सिलाई करना है, बस टक्स को इस तरह से पकड़ना है और सिलाई कर देना है। इसको भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे, बस इस तरह से पकड़ना है, टक्स को इस तरह से पकड़ना है और सिलाई लगा देना है। जहाँ तक हमारा निशान है बस वहीं तक हमको सिलाई लगा देना है। तो इसी तरह से हम ये चारों टक्स की सिलाई लगा देंगे, जैसे मैंने आपको बताया, बस इस तरह से पकड़ना है और जहाँ तक हमारा निशान है बस वहीं तक सिलाई लगा देनी है सीधी। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट की सिलाई हो गई है, टक्स की, चारों टक्स की हमने सिलाई कर दी है इस तरह से। अब हम बैक के पार्ट की सिलाई करेंगे।
आप ध्यान से देखिए, अब जो ये बैक पार्ट है उसकी भी हम इस तरह से सिलाई करेंगे। ये जो टक्स है इसको इस तरह से पकड़ के सीधी सिलाई लगा देनी है, जहाँ तक हमारी निशान है वहाँ तक सिलाई लगा देनी है। अब ये जो टक्स है उसको भी हम इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है, एक सिलाई लगा देनी है जहाँ तक हमारा निशान है, यहाँ से यहाँ तक हमको सिलाई लगानी है। जहाँ तक हमारा निशान जा रहा है बस हमको वहीं तक सिलाई लगानी है। एक और सिलाई लगा देंगे डबल टिक की। इसी तरह से हम जो दूसरा टक्स है हमारा उसको भी इसी तरह से सिल देंगे। ये हमारा दूसरा भी जो टक्स है उसकी सिलाई लगा दी है हमने इस तरह से। अब जो ये कमर पट्टी है उसको भी हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखना है, और एक यहाँ से यहाँ तक पूरी सीधी सिलाई लगा देनी है। अब जब हम ये कमर पट्टी ज्वाइन करेंगे बैक साइड के लिए, तो सबसे पहले हमको ये जो बैक साइड के लिए जो कमर पट्टी ली है ये 2 इंच की है, तो थोड़ा सा हाफ इंच इस तरह से मोड़ के हम एक सीधी सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले ज्वाइन करने से पहले हाफ इंच इस तरह से मोड़ के एक सीधी सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हाफ इंच मोड़ के एक सीधी सिलाई लगा देना है। अब हम ज्वाइन करेंगे कमर पट्टी। अब ये जो कमर पट्टी है ये इसको हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखना है, इस तरह से रखना है, और यहाँ से नीचे के साइड से यहाँ से एकदम सीधी सिलाई लगा देनी है। अब ये जो कमर पट्टी है ये हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर, एक सीधी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सीधी सिलाई लगा दी है हमने। इस तरह से जो है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे पीछे के साइड, उल्टी साइड फोल्ड करेंगे हम, इस तरह से फोल्ड करना है, और यहाँ से एक सीधी सिलाई लगा देनी है। वो कच्ची सिलाई होती है, कच्ची सिलाई इस तरह से सीधी लगा देनी है, बाद में हम यहाँ से तुरपाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से कच्ची सिलाई लगा देंगे सीधी। पट्टी को इस तरह से मोड़ के और एक सीधी सिलाई लगा देनी, कच्ची सिलाई लगानी है, बाद में वहाँ पर तुरपाई होती है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है, इस तरह से सिलाई लगा दी है हमने। तो पट्टी को फोल्ड करके पीछे के साइड मोड़ के एक कच्ची सिलाई लगा दी है, बाद में यहाँ से तुरपाई होगी इस तरह से,
पट्टी जॉइंट होती है पीछे के साइड की। अब हम जो बेल्ट है उसको जॉइंट करेंगे फ्रंट पार्ट में। ये जो बेल्ट है इसको सबसे पहले ऐसे इस तरह से उल्टा रख के, इस तरह से उल्टा रखना है, इस तरह से उल्टा रखना है, और यहाँ से एक सीधी सिलाई लगा देनी है। इसको भी हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, इस तरह से, और यहाँ से सीधी सिलाई लगा देनी है। बेल्ट को ऐसे उल्टा रख के यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट को ऐसे उल्टा रख के हमने सिलाई कर दी है, उसके बाद इसको ऐसे सीधा कर दिया है इस तरह से। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। इसी तरह से जो बेल्ट है उसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है और सीधी सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी तैयार करेंगे। इस तरह से ये जो दोनों बेल्ट है वो जॉइंट हो गए हैं इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा दिख रहा है वो यहाँ से हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। यहाँ से कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इस तरह से। ये जो दोनों बेल्ट है वो हमने इस तरह से जॉइंट करके दिखाया है आपको। अब हम जो हाई और हुक की पट्टी होती है, हाई और हुक की, वो जॉइंट करेंगे। तो जो हुक की पट्टी होती है वो इस तरह से उल्टा रख के यहाँ से सीधी सिलाई लगानी होती है। उसके बाद इसको पीछे के साइड इस तरह से मोड़ के फिर पीछे के साइड एक सिलाई लगानी होती है। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये जो पट्टी है तो सबसे पहले हम इस तरह से इसको मोड़ेंगे, थोड़ा सा इस तरह से मोड़ के एक सीधी सिलाई लगा देनी है। फिर उसके बाद हम जो फ्रंट साइड है उसमें जॉइन करेंगे। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा इसको इस तरह से मोड़ के हाफ इंच थोड़ा सा मोड़ के सीधी सिलाई लगा दी है। अब हम फ्रंट साइड में जॉइंट करेंगे। तो फ्रंट साइड में हम इस तरह से जॉइंट करेंगे, इसको इस तरह से रख के, इस तरह से रख के, ये जो हमारा सीधा भाग होना चाहिए इस तरह से हम पट्टी रखेंगे यहाँ से, और एक यहाँ से सीधी सिलाई लगा देंगे, यहाँ से सीधी सिलाई लगा देंगे। यहाँ से सिलाई लगा देंगे, इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये इस तरह से जॉइंट हो गई है। अब हम इसको इस तरह से अंदर के साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से, इस तरह से जो हम अंदर के साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे, और एक यहाँ से सीधी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारी पट्टी जॉइंट हो गई है, ये हुक की पट्टी है। अब आई की पट्टी हम जॉइंट करेंगे। तो अब हम जो आई की पट्टी है वो जॉइंट करेंगे। तो ये जो भाग है ये इसको हमको उल्टा रखना पड़ता है इस तरह से, इस तरह से उल्टा रख के ये जो पट्टी है इसको हम इस तरह से रखेंगे यहाँ पर इस तरह से।
और इस यहाँ से सीधी सिलाई लगा देनी है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से सीधी सिलाई लगा देंगे। एकदम किनारे से सीधी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से आगे के साइड, इस तरह से जहाँ तक हमारी सिलाई है वहाँ तक इस तरह से रखेंगे हम इसको। यहाँ से इसको इस तरह से रख के और एक यहाँ से एकदम किनारे से एकदम सिलाई लगा देनी है, सीधी सिलाई लगा देनी है। तो तो इस तरह से हमारी जो आई की पट्टी है वो जॉइंट हो गई है। जो आई की पट्टी होती है वो 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ होती है और जो हुक की पट्टी है वो अंदर की तरफ फोल्ड होती है। और जो आई आई की जो पट्टी होती है वो इस तरह से 1 इंच बाहर की तरफ होती है, बड़ी होती है 1 इंच, तो ये बाहर की तरफ होती है। इस तरह से हमारी ये पट्टी जॉइंट हो गई है। तो इस तरह से हमारी ये जो हुक की पट्टी है और ये आई की पट्टी है, तो इस तरह से ये जो पट्टी हमारी ये दोनों जॉइंट हो गई है। इस तरह से जॉइंट करनी पड़ती है। जो आई की पट्टी होती है वो 1 इंच बड़ी होती है, 1 इंच आगे से बड़ी होती है। और ये जो हुक की पट्टी होती है वो अंदर की साइड फोल्ड होती है और ये जो आई की पट्टी होती है बाहर की साइड इस तरह से फोल्ड होती है और 1 इंच बाहर के साइड होती है। तो हम इसको इस तरह से रखते हैं। तो ये जो हाई की पट्टी होती है हमारे अंदर की साइड चली जाती है, तो इस तरह से रखते हैं। इस तरह से हमारी पट्टी जॉइंट होती है। अब हम जो फ्रंट साइड है, जो बैक साइड है, उसको हमने इस तरह से सीधा रख दिया है। उसके बाद जो फ्रंट साइड होती है वो हमको इस तरह से उल्टा रखना पड़ता है, इस तरह से उल्टा रखना पड़ता है उसके ऊपर, फ्रंट साइड के ऊपर इस तरह से उल्टा रख के। इस तरह से ऐसे उल्टा रख के इस तरह से उल्टा रख के जो ये हमारे शोल्डर है उसको हम इस तरह से सीधी सिलाई लगा के ज्वाइन कर देंगे। ये जो हमारे शोल्डर है उसको हम यहाँ से सीधी सिलाई लगा देंगे, दोनों तरफ से सीधी सिलाई लगा देंगे और ज्वाइन कर देंगे दोनों को। तो इस तरह से हमने ये दोनों शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं। यहाँ से इस तरह से ज्वाइन करने होते हैं दोनों शोल्डर। तो इस तरह से मैंने आपको 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की जो सिलाई होती है वो बताई है, फ्रंट साइड की और बैक साइड की, किस तरह से बेल्ट जोड़ा जाता है, किस तरह से टक्स की हम सिलाई करते हैं। और बैक साइड की भी मैंने आपको सिलाई बताई है, किस तरह से जो कमर पट्टी होती है वो जोड़ी जाती है। तो मैंने इस तरह से आपको फ्रंट और बैक की सिलाई बताई है। स्लीव कैसे जोड़ते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और गले में कैसे पाइपिंग करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता इसलिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा सिलाई का कमेंट करके बताइए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।